हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो पापा मम्मी आए हैं जर्मनी, तो हम इनको लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? जर्मनी के गांव में जर्मनी के गांव दिखाने लेके जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं। क्या पापा ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं? हाँ, पापा को ऐसे जर्मनी के गांव देख के आऊं। पापा को ऐसे जो ज्यादा फेमस चीजें नहीं है ना, वो जाननी है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, मैं इनके घर जा सकता हूँ क्या, मुझे पानी कॉफी कुछ के लिए बुला ले। तो आज पापा को लेके चलते हैं गांव। आए थे उस दिन, खेत ऑलरेडी दिखाए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि साइकिलिस्ट जा रहे हैं कुछ, तो इनसे एक्चुअली हमें काफी दूर होके चलना पड़ता है। ये यहाँ पे एक रूल है, विच इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। सो मम्मी, कैसा लग रहा है गाँव में? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये शहर जैसे ही लग रहा है। ये गांव के बीच की छोटी सी गुमटी या कुछ है। हेलो हेलो बोलते हुए वो पापा वहाँ पे पूरे गांव का वीडियो बना देंगे। उस साइड थोड़े कुछ किसानों के घर हैं, वो दिखाते हैं। चलो। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग जर्मनी के एक छोटे से टाउन या गांव, मतलब इसके पास में छोटे छोटे गांव भी हैं, ये खुद भी एक गांव ही है। तो फीलिंग तो यहाँ पे टाउन वाली है, शहर वाली है। और मम्मी लोग बोल रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता गाँव। पापा को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, और हमें विश्वास है। और विश्वास है, विश्वास साफ सुथरा बहुत है। हाँ, साफ सुथरा बहुत है, काफी ज्यादा साफ सुथरा है। और पापा यहाँ पे पूरा पूरा कैप्चर करते हुए सारे सारे मोमेंट्स। चैनल लॉन्च हो चुका है। सो ये काफी मुझे मेरे गांव की याद दिला रही है। इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि ये टाइमिंग क्या है। ये 1857 में तो इंडिया में क्रांतियां हुई थी। और ये अपने गांव में, तो अपने गांव में क्या बोलते हैं पापा इसको? खेल बोलते हैं, पानी की गाया। तो राजस्थान में इसको खेल बोलते हैं, काइन ड्रिंक वासर। ये इस पे लिखा हुआ है कि बिना पीने का पानी है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये गायों के पीने के लिए रहा होगा कोई जमाने में। अब तो कोई गाय नहीं है। गाइस, मम्मी थोड़ी देर पहले कह रही थी तो शहर जैसा लग रहा है, तो अब हम उनको लेके जा रहे हैं रियल जो किसानों के घर है, जैसे यूजुअली हमारे इंडिया में भी होते हैं वैसे। तो ये देख लो आप, ये बिल्कुल शहर जैसा नहीं लगेगा। ये घर मुझे लग रहा है काफी ज्यादा पुराना है, और ऐसे इस टाइप के कुछ कुछ घर इस गांव में हैं, तो विच मीन्स काफी पुराना गांव है। और इसको देख के लगता है कि अबैंडन भी नहीं है ये घर। शिल्पा, कैसा लग रहा है? एकदम अपने गांव की याद आ रही है। लग ही नहीं रहा जर्मनी में हूँ, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मनी में ऐसी टूटी दीवारें और टूटे गेट देखने को मिलेंगे। बड़े से काफी नाइस सा लगता है ऐसी ये दीवारें देख के, और काफी अपनापन सा लगता है थोड़ा ऐसा मेटल का देख के। अपने साइड ऐसे दरवाजे बंद करने के होते हैं ना। हाँ, एकदम गांव आए और आपके हाथ थोड़े थोड़े माटी में नहीं हुए या गंदे नहीं हुए, तो गंदा तो नहीं बोलूंगा, मजे नहीं आए आपको गांव के, तो फील ऐसे आएगी। सुमेर पापा को ये भी काफी था कि इन घरों के पेंट क्यों नहीं उतरते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट पेंट उतरे हुए घर भी दिखा दिए। ये गाड़ी आई थिंक हम लोगों ने पहले एक वीडियो में शायद मैंने कैप्चर तो करी थी, आई डोंट नो हमने डाला था कि नहीं डाला था, लेकिन आप देख सकते हैं। एक ये वाला भी हमें काफी पुराना सा घर दिखा है, जिसका अगेन मुझे दरवाजा मेरे ननिहाल की भी कुछ कुछ याद दिलाता है। वहाँ पे इसकी हाफ साइज के दरवाजे किसी किसी घर में जरूर हैं, हवेलियों के। और इसके ये वाले राजस्थान में इसको कुंडा बोलते हैं, हिंदी में कुंडी बोलेंगे शायद। लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे एक बार, तो ये वाले घर को हमने डिक्लेयर किया था कि ये सरपंच जी का घर हो सकता है, क्योंकि लग भी रहा है जैसे अपने गांव में भी थोड़ा सरपंच का घर अलग ही दिखता है ना, थोड़ी वैसी वाली फील है। और अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ये ओपन फील्ड्स हैं, और इसके उधर वाली साइड में जैसे गाड़ी से हम लोग आ रहे थे तो दिख रहा था काफ़ी सारे खेत एंड ऑल, थोड़ा रिवर भी थी उधर ही। इसको मैंने मिस कर दिया, यहाँ तो ट्रैक्टर भी है। मेरे मम्मी पापा को चारों तरफ फ्रूट के पेड़ खोजते हैं। वो किसका पेड़ है? लाल लाल कुछ तो दिख रहा है। वो सरपंच जी के घर का पेड़ है। सरपंच जी के पास चलते हैं पहले। सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ। झूले पे आए नहीं, देखे अपनी भाषा ही नहीं समझेगा। तो अपन मेरे को आती है जर्मन, फिर तो मिला तो सरी। आगे मेरी मम्मी को दूर से ये चीज दिखी थी भाई, इनकी नजर पड़ी, ये क्या है? ये सौदा ठीक है। ये सेब तो मन कर रहा है कि तोड़ दूं फिर सब्जी बनाऊंगी, है तो खट्टे मीठे तो नहीं है। ये पब्लिक हमें समझ में नहीं आता, बहुत बार हम कंफ्यूजन में रहते हैं क्या हमें तोड़ लेना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक सी लैंड लगती है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। ये मम्मी और सचिन को अखरोट भी मिल गए, दिखा ना अखरोट, पहली बार देख रही हूँ। हम तो अखरोट मैं लेके आता हूँ। ओ ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ सही में। जठे आप आ रहा है
बट ये भी खूब है ये। सचिन आपने ड्राई फ्रूट देखा नहीं, इतना बड़ा तोड़ ला है। मैं तो लाइफ में पहली बार अखरोट का पौधा देखा है। हाँ मैंने भी, तोड़ के दिखाओ अंदर से कैसा निकलेगा। घर पे तोड़ के नहीं, वो तोड़ के मम्मी ने दिखाया वही निकलेगा, मैं दिखाता हूँ। फेंक दिया मैंने, नहीं कोई बात नहीं। ये देखो अभी ये ड्राई है, मतलब दिखने में तो देखो अखरोट अखरोट ही है, फॉर श्योर अखरोट है ये। हाँ। बनेगा। ओ पहली बार मैंने तो अखरोट और सेव ये तो तेरे समझ में नहीं आया। वहाँ आप जो ट्रेर मैंने है? मैंने इसका एक YouTube वीडियो देखा था, तब मुझे समझ में आया था कि ऐसे अखरोट के हो सकते हैं। आज मुझे रियल में दिख गए। ये तो आप रहते हो ना वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उनके लिए। हाँ बट ये बनेंगे थोड़े दिनों बाद, सूखेंगे या सूखते हैं क्या प्रोसेस है पता नहीं अपने को। तो मम्मी उधर पूरा खेत में घुमाई उमाई करके आई हैं, पूरा देख के आई हैं खेत है या ये मैदान है जो भी है। और यहाँ पे हम लोग इन घरों को देख रहे हैं, बड़े घर इन्होंने क्यूटली फूल के पौधे लगा के रखते हैं। जैसे वो सरपंच जी के मकान में भी पौधे में फूल, नहीं पौधे में नहीं घर में फूल लगाया हुआ है। और फिर इनके विंडोज़ की बातें हो रही हैं कि इन, मेरे पापा कह रहे हैं कि इनकी विंडो कितनी सही बनाई है, जैसे इनका छज्जा भी नहीं है बाहर, तो स्पेस भी वेस्ट नहीं हो रहा और पानी भी नहीं जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये जर्मन टेक्नोलॉजी का अंतर है। और ये स्कूटी पे जैसे स्कूटर पे अपने डॉगी को भी घुमा रहे हैं। ये हम खाने पीने का सामान लेके आए हैं, चले तो थोड़ी सी दूर ऐसे लग रहा था कि भूख लग जाएगी। गाड़ी में बैठते ही लगती भी है भूख, कितना ही खा के निकलो गाड़ी में बैठते ही भूख लगती है। तो आप लकी हो। मैं लकी हूं। एक बंदा कायाकिंग करके भी जा रहा है काफी आराम आराम से। तो गाइस हमारा दो गांव जाने का प्लान था, लेकिन जो दूसरा गांव है वो था नदिया के पार, और हमारे पास नहीं थी नाव। और उस नदिया पे पुलिया भी बहुत दूर था। तो फिर हमने आज कैंसिल कर दिया। अब हम घर जा रहे हैं थोड़ा सा रिवर साइड पे बैठ के खाना वाना खा के, अब उस नदिया के पार हम कभी और जाएंगे। अभी चलते घर। सो घर पहुंच चुके हैं, अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है और 9:45 बज चुके हैं पूरे के पूरे। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, बाकी अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।